सत श्री अकाल न्यूज़ रूम लाइव देख रहे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ दीपिका खोसला। प्रोग्राम दे विच गल करांगे कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस नू जगमोहन कंग दे वल्लों झटका दिता गया। तो उत्थे ही चमकौर साहब तो सीएम चन्नी ने नामजदगी पत्र दाखिल किए, तो नाल ही हलका वासियां नू बेहद भावुक अपील भी की गई। नाल ही गल करांगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी, चोण प्रचार उन्होंने वालों किया जा रहा है, सीएम चन्नी नू घेरदे नज़र आए, नाल ही बीजेपी के सोले भी गाए गए। और इस दे नाल ही गल करांगे आदमपुर सीट की, क्योंकि जो चर्चा छिड़िया हुई सन कि सुखविंदर कोटली की टिकट कटी गई और उतों महेंद्र सिंह केपी नू टिकट जो है वो मिल गई है। तुहानू दस दईए कि नामजदगी दाखिल करन दा अज आखिरी दिन है और 3 बजे तक ही नामजदगी पत्र दाखिल जो ने उम्मीदवार वालों किए जा सकते हैं। कुछ ही समा बाकी है, लेकिन आदमपुर की सीट उत्ते पेच अजे भी फसया होया है। तो तमाम मुद्दे उत्ते विस्थारपूर्वक चर्चा दे लई मेरे नाल टीवी पंजाब दे सीनियर पत्रकार जसवीर हुसैन जी मौजूद ने। जसवीर जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच तुहाडा। शुक्रिया दीपिका जी। जसवीर जी, सब तो पहला आदमपुर सीट की ही गल करांगे, जिस तरह पहला खबर सामने आ रही थी कि टिकट मिल गई महेंद्र सिंह केपी नू, उस तो बाद हुण चर्चावां ने कि अजे भी पेच फसया होया है। दूसरे पासे ये भी कहा जा रहा है कि सुखविंदर कोटली आजाद उम्मीदवार वजो भी नामजदगी पत्र दाखिल कर सकते हैं। स्थितियां की ने इस समय आदमपुर दियां? दीपिका जी, बड़ी ये दिलचस्प गल हैगी है कि आदमपुर की सीट नू लैके जिस दिन तो सुखविंदर कोटली नू उम्मीदवार ऐलानिया गया, उस दिन तो कांग्रेस के अंदर महिंदर सिंह केपी की स्थिति डामाडोल वाली है। कभी उन्हें लगता है कि इधर जा रहे, कभी उन्होंने लगता कि उधर जा रहे। कई बार चीज़ा इदा दियाँ भी हुई, पता लगा भाजपा नाल मुलाकात हो गई, पता लगा किसी होर पार्टी नाल मुलाकात हो गई। ये भी कहता कि भाई जलंधर कैंट तो चोण लड़ रहे हैं, आजाद कैंडीडेट के तौर पर प्रगट सिंह के मुकाबले खड़े होणगे। फिर इन चर्चावां नूं उदों विराम लगता है जदों राहुल गांधी की मौजूदगी दे विच महिंदर सिंह केपी तुहानूं मंच ते नज़र आउंदे आ, कहा गया कि मना लिया गया, क्योंकि उहदे तो पहलां जदों इत्थे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने झंडा फहराउण लई आउणा सी, ते अद्धी रात नूं इत्थे जलंधर दे विच मुलाकात करदे आ तड़कसार जी, जदों रात ढलनी शुरू हो जाती है तो एक नवा सवेरा चढ़ना हों, चन्नी होर लगता कि पहली किरण के समझौते वाली गल्लां निकल के आ जाए रोशनी दे विच। सो रात नूं तड़के उन्हां नाल मुलाकात की जाती है, फिर बिट्टू होर दे कोल जाके मुलाकात की जाती है, उन्हां नूं भी मनाउण की कोशिश की जाती है, और वो कोशिशां राहुल गांधी की रैली तक रंग भी लैके आउंदियां। तो यह चर्चा हुण इस वेले सिखर ते आ कि अज दा दिन नॉमीनेशन फाइल करन दा आखिरी दिन है, और अज दे विच जिहड़ा आ उह सवेर दी चर्चा चलनी शुरू हो गई है कि महिंदर सिंह केपी नूं टिकट मिल गई है, सुखविंदर कोटली दी टिकट कट दित्ती गई है, और अंदर दी खबर यह है कि दोनों नूं ही रिटर्निंग ऑफिसर दे कोल बुला लिया गया, आ जाओ भाई दोनों जने। तीजा बंदा आएगा जिहड़ा हाईकमान वल्लों भेजा गया होएगा, क्योंकि अजे तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, नहीं तो एक कांग्रेस दे वल्लों उहदे लैटर हैड ते आएगा कि आ कैंडीडेट असी इस सीट तो चेंज कर दिता, कोई लैटर उदां दा नहीं आया। सिर्फ मीडिया च चर्चावां चलदियां पईयां ने, ते जिन्ने क साडे रिसोर्स जिहड़े उह गल करदे आ उह इह है कि दोनों नूं सद लिया गया रिटर्निंग अफसर दे दफ्तर दे नेड़े, और उत्थे आण के उह जिहड़ा तीसरा बंदा आएगा हाईकमान वल्लों भेजिया होया उहदी जेब च होएगा लिफाफा, वह लिफाफा खुलेगा, लिफाफे चों निकलेगा नाम, वह नाम सुखविंदर कोटली का ही हुंदा आ या महिंदर सिंह केपी का हुंदा आ, उस मुताबक नामजदगी पत्र दाखिल होणगे। जे महिंदर सिंह केपी का नाम होया तो फिर केपी साहब कांग्रेस के कैंडीडेट बन के अंदर नॉमीनेशन फाइल कर जाएंगे, तो संभावना सुखविंदर कोटली आजाद उम्मीदवार के तौर पर जाएगा। जे इदा नहीं होंगी, कागज़ तो दोनों ने लिया ही होने, तैयारियां दोनों तरीक़ा दोनों दियां होनियां, जे कोटली होर की टिकट ना कटी गई तो पक्की गल है फिर महिंदर सिंह केपी आजाद उम्मीदवार वजो पेपर भर सकता है। जे उस तीजे बंदे कोल ए ताकत ना होई कि जिहड़ा भी टिकट तो विरवा रहा उन्हूं उस वेले मना भी लिया जाएगा, जे उहदे कोल ए ताकत ना होई। हुण देखदे आ की हुंदा, मेरा ख्याल है कि हो सकता कि साडे प्रोग्राम के दरम्यान भी स्थितियां ये स्पष्ट हो जाण, हो सकता उहदे तो कुछ देर बाद ये स्थितियां स्पष्ट होण, क्योंकि अज आखिरी दिन आ ते आ कुछ पलों के ही ये सब कुछ फाइनल हो जाना कि आदमपुर वाली सीट बदली गई है ज नहीं बदली गई, भावें बदली जाए तो भावें बदली ना जाए, मसला यह है कि बगावत होनी होनी है, ज के पी होनी कर देंगे, जब सुखविंदर कोटली कर देगा, भावें कन्न सीधा फड़ो भावें कन्न घुमा के फड़ो, कन्न फड़े ही जाना।
बिल्कुल, स्थितियां आदमपुर दियां जो ने काफ़ी दिलचस्प बनिया हुई ने, नज़रां भी टिकिया हुई ने कि अपडेट उतों आता है। जो भी अपडेट होएगा तुहाडे नाल जरूर साझा करांगे। हुण वधदे अगली खबर दे वल। जगमोहन कंग कांग्रेस छड़ के आम आदमी पार्टी दे विच शामिल हो गए ने। सीएम चन्नी दे खिलाफ मोर्चा खोल चुके ने और उन्होंने वालों कहा भी जा रहा है कि चमकौर साहब दे विच प्रचार करनगे सीएम चन्नी दे खिलाफ। आम आदमी पार्टी नूं सूट करदी है चीज़। आम आदमी पार्टी ने की कहा सीगा कि चमकौर साहब तो चरणजीत सिंह चन्नी हारदा पिया, साडा सर्वे ये कहिंदा पिया। तो हुण जगमोहन कंग जिहड़ा टिकट ना मिलण दा करके उधरले पासे नूं गया, जदों कहा कि चन्नी ने मेरी टिकट कटवाई है, होर किसी ने नहीं कटवाई, इस करके कहिंदे मैं चन्नी दे खिलाफ ही उतरांगा। और झोलियां अड अड के चमकौर साहब दे वोटरां नूं कहा कि वोट इत्थे ना पाइओ। इत्थों तक कहता कि ये तो बंदा करप्ट आ, माइनिंग करवाउंदा, इहने तां बड़ा पैसा इकट्ठा कीता आ। हालांकि एफिडेविट दे विच उन्हां दी घटी है आमदन, जो एम एल ए सी उदों वध सी, जो मुख्यमंत्री बने उदों घट गई आमदन। हुण पता नहीं की है ये चक्कर। तो वह चीज़ा जिहड़ियां हुण कीतियां जा रही ने वह आम आदमी पार्टी नूं करदियां सूट, पर इस गल की समस्या रह गई कि जगमोहन कंग ने अपना मुंडा खरड़ तो आज़ाद कैंडीडेट के तौर पर मैदान दे विच उतारिया होया। आप तो आम आदमी पार्टी दे विच चले गया, हुण मुंडे दे पेपर भी वापस दबाउणगे, क्योंकि खरड़ तो जिहड़ी आ इन्हां दी गगन अनमोल मान जिहड़ी आ उह कैंडीडेट आ आम आदमी पार्टी दी, कि उहदे खिलाफ पढ़ाउणगे या उह पेपर वापस लै लैणगे। सुभाविक जी गल है, जे आम आदमी पार्टी 'च गए होणगे इसे शर्त ते जाणगे, आम आदमी पार्टी इह तां कहेगी नहीं कि तुसीं साडी पार्टी 'च वी आ जाओ, साडे खिलाफ भी लड़ो। सो उहनां दा बेटा पेपर वापस लै लैगा, पेपर वापस लै लेगा, तो इहदा मतलब जे टिकट उधरों नहीं मिली तो टिकट इधरों नहीं मिली, की वटिया की खटिया जगमोहन कंग होरां ने। पर ये पॉसिबल है कि अपना उम्मीदवार बदल देन आम आदमी पार्टी? कित्थों बदलणगे, चमकौर साहब तो नहीं बदलणगे। उत्थे तो एक दा खेडिया उन्होंने, चरणजीत दे मुकाबले, चरणजीत चन्नी जिहड़ा उन्होंने उतारिया मुकाबले दे विच, माफ करना कि नावां दा भुलेखा पवे, ये नावां वाली पॉलिटिक्स भी उत्थे चलदी पई है। गगन अनमोल मान की टिकट कट देणगे, कतई नहीं कट सकते, दोनों थावां तो ही नहीं टिकट कट्टी जानी आ। बस इन्ना कहा कि खुंदक कढ़नी आ, वह दुख जो लगा हुंदा ना तुहानू ते फिर तुसी नफे नुकसान नहीं देखते, फिर कहिंदा घाटा तो घाटा ही सी, पर साडा कुछ रवे ना रवे तेरा कख नहीं रहण देना, ना खेडना ना खेडण देना, खेड खराब करनी आ। सीधी मैनू लगता कि जगमोहन कंग होरां ने यह रणनीति अपना ली है। वह कहिंदे सानू कुछ मिले ना मिले, पर हुण कांग्रेस नहीं जितण देनी, दोनों हलकियां दे विच एक खरड़ दे विच रंग च भंग पावांगे, दूजा असी चमकौर साहब दे विच रंग च भंग पावांगे। पर इत्थे किते कांग्रेस वालियां स्थितियां तां नहीं देखण नूं मिलणगियां कि कैंडीडेट आज़ाद खड़ा कर दो, एक पार्टी दे नामजदगी उतों दाखल करा दो, जिहड़ा जित गया जेकर आज़ाद वाले नूं ज़्यादा वोटां पै गईआं तां उह भी पार्टी च शामिल हो जाएगा? नहीं, इदां दा कुछ नहीं होएगा। आम आदमी पार्टी कतई ये रिस्क नहीं लैगी। क्यों रिस्क लैगी, जगमोहन कंग नूं शामिल करवाया तो ये रिस्क क्यों लैगी कि एक तो बंदा शामिल करवाओ, दूजा अपने खिलाफ मुकाबले दे विच भी रखो, नहीं लैगी ये रिस्क। एक कांग्रेस दे विच तो हो सकता है, आम आदमी पार्टी इहनूं बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी दे उत्ते उंगलां उठणगियां, पता है आम आदमी पार्टी नूं कि इह सानूं सूट नहीं करदी चीज़, इस करके चीज़ां कतई नहीं होणगियां। नामजदगी पत्र वापस लै जाणगे दी पूरी पूरी संभावना इस समय नज़र आ रही है। जगमोहन कंग होरी सिर्फ ते सिर्फ चन्नी होरां नूं सबक सिखाउण दे लई इधरले पासे आ, दुश्मन दा दुश्मन दोस्त ही हुंदा आ। तो बिल्कुल, सीएम चन्नी दे वल्लों भी जसवीर जी अज चमकौर साहब दे विच नामजदगी पत्र जो ने दाखिल किए गए, तो उस तो बाद लोगों नूं काफ़ी भावुक अपील करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा 50,000 के वोटों के फर्क नाल इस बार जित दर्ज करवानी है। विरोधियों नूं लैके उन्होंने कहा है कि इस बार मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं पिंड पिंड जाके तो प्रचार कर सकता, इस बार मोर्चा तुसीं ही सांभना है। काफ़ी भावुक हो गए वो अपनी स्पीच के दौरान, इसनों किवें देखते हो? एक बड़ा फिल्म आई सी, उहदे विच गाना सी तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। साडे लीडर नूं ना आदत है इमोशनल अत्याचार बहुत करदे आ, जिथे इन्हां दी वाह पेश नहीं जांदी उत्थे इमोशनल अत्याचार करदे। की कहणगे प्रकाश सिंह बादल आउणगे, मेरी तां जी ये आखिरी चोण आ, बस जांदे जांदे नूं एक वारी मैनूं जिता दिओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने भी कहा सीगा पिछली बार, मेरी तो ये आखिरी चोण आ, जांदे जांदे मैनूं जिता दिओ। इस बार रजिंदर कौर भट्ठल कह रही है, मेरी तो जी ये आखिरी चोण आ, मैनूं जिता दिओ। यही काम चन्नी होरी करदे आ कि हुण उन्होंने हाथ जोड़ के, जिदा दीपिका जी तुसीं दस रहे सीगे उस स्पीच नूं देख के, कि बस हंझू ही नहीं डुले, बाकी
आवाज़ भरी भराई सी, पता लगता सी कि अंदर कित रोंदा होएगा, सिली सिली आँदी हवा कि कोई रोंदा होएगा, अंदरों रोण की आवाज़ सी। अपील की भावुक तौर पर कोई शक नहीं है, चरणजीत सिंह चन्नी की सांझ उस हल्के हैगी है, बन जाती है जो तुसी लगातार जितते हो। बिक्रम मजीठिया की मजीठा हल्के सांझ हैगी है, सिद्धू ने पूर्वी च अपनी सांझ बनाई हैगी है, प्रकाश सिंह बादल की लंबी च सांझ है, सुखबीर बादल की जलालाबाद होएगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पटियाले होएगी। जो तो तुसी लंबा समा किसी जगह पर विचरते हो ना, वो तुहाडियां सांझां बन जांदियां ने, फिर तुहानूं पता हुंदा कि किहड़ा तीर मारीए तो वह निशाने पर लगना। चन्नी होरां नूं पता कि मेरियां भावुक अपीलां मेरे हल्के दे लोगों नूं मेरे नाल जोड़ सकदियां ने, भावुक अपील कर दी उन्हें, क्योंकि चन्नी नूं इह पता है कि भदौड़ च मेरे पल्ले कुछ पैना जां नहीं पैना मैनूं कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि भदौड़ सीट कदी भी कांग्रेस की सीट नहीं रही। दीपिका जी 45 साल का रिकॉर्ड है, भदौड़ सीट कदी जितते ही नहीं है, चाहे असी गल कर लिए 97 की, 97 तो बाद 2002 की गल कर लो, 2002 तो बाद गल 2007 की कर लो, 12 के जितता है मुहम्मद सदीक, वह भी कलाकार से, वह परसनैलिटी काम करती है, उदो जितता, उदू बाद 17 के आम आदमी पार्टी उत्थे आ जाती है। तो जे आप 97 तो पहला 92 की गल कर लिए, 92 च बहुजन समाज पार्टी जीती सी, उदो अकाली दल ने बाइकाट किया चोणों का, उदे तो पहला जे 85-80 की गल कर लिए, उदो भी अकाली दल इस सीट पर सी। चन्नी नूं पता उत्थों कुछ नहीं लभना, तो की बचता फिर चमकौर साहब मुख्यमंत्री बनना, एक सीट जितनी पैनी है तुहानूं, तो फिर भावुक अपील उन्हां सुपनिआं दे विचों निकलदी है, जिहड़े सुपने खड़े कीते होए आ सीएम दा चेहरा मुख्यमंत्री, एक बार फिर एक मौका चन्नी नूं सर्वे हुंदे पए, उन्हां सर्वेज़ दे विच जिहड़ा वो चन्नी दा नाम अगे चलदा पिआ, तो वह किद्दां सुपने पूरे होणगे जे जितोगे, तो जितण लई तुहाडे कोल जगह कहिड़ी बचदी है, फिर चमकौर साहब, तो चमकौर साहब दे लोकां दे हुण जे पैरीं भी पैणा पवे ना चन्नी होरां नूं, वह पैंदे नज़र आउणगे। मैं तक तो खबर शायद देख रहा है, जो मैं गलत नहीं हाँ, तो पता लगा कि धूरी दे विच भी नंगे पैरीं प्रचार होना शुरू हो गया, नंगे नंगे पैरीं वोटरां दे कोल लोग जा रहे हैं, पता नहीं मन्नत मन्नी है या उन्हां नूं लगता है कि भाई इदां ही कम साडा सौरना आ, भावुक तौर पर अपने नाल जोड़ते कि देखो भाई कैंडीडेट नंगे पैरीं आया साडे कोल वोटां मंगण लई। सो भावुक अपीलां कीतियां जाणगियां, पर यह भावुक अपीलों के नाल कितने महत्वपूर्ण है कि भाई मुद्दियां की गल करो, उत्थे तुहाडे हंजू नहीं काम आने जिथे रुजगार ने काम आना, उत्थे तुहाडे हंजू नहीं काम आने, हंजू तुहाडे नालों किते तुसी तां वहाए जां नहीं वहाए, वह गल्लां बाद दियां, जिहड़ियां मावां अज भी रोंदियां पईयां कि उहनां दा पुत नशियां दी भेट चढ़ गया, जिहड़ी भैण रोंदी पई मेरा भरा नशियां दी भेट चढ़ गया, जिहड़ी पत्नी मेरा ख्याल है कि किसी की मेहंदी का रंग भी नहीं फिक्का पिया होना तो नशे की भेट उहदा जिहड़ा उह सिरदां साईं चढ़ गया होगा, उहने किन्ने हंजू रोए होणगे, तुहाडे हंजुआ के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, तुसी तां उन्हां दे मुकाबले दे विच। सो इस करके वो जिहड़ियां चीज़ां चलनियां उन्होंने काम करना, उन्हां दी गल करो, बेअदबी दे मामले दे विच जिन्हां दे हिरदे वलूंदरे गए, जिन्हां नूं अज भी उस गल दा रोसा हैगा, गुस्सा हैगा कि नहीं इंसाफ मिलिया सानूं, उन्हां दे हंजू पहुंचे, उन्हां दे फैहा धरिया किसी ने नहीं तरिया, वह किसान जिन्हां दी फसल मारी गई नरमे की, जिन्हां नूं बोर्ड लाते सी वड्डे वड्डे कि आ दवांगे ओह करांगे इदां करांगे, पहलां कहिंदे 12,000 कहिंदे नहीं सी 5,000 होर वधाता आ, हुण असीं 17,000 दवांगे, मिलिया किसी नूं एक पैसा नहीं मिलिया, इसे करके चन्नी हुरी घेरे गए भदौड़ दे विच नामजदगी पत्र दाखिल करनगे। सो मैनूं लगता कि वह चीज़ां मुख रूप च बोलनियां चाहीदियां, इह लोकां ने तय करना आ कि लीडरां दीआं भावुक अपीलां दे उत्ते ही वोट पा देणियां, क्योंकि अज भावुक होणगे मुड़ के 5 साल तुसी भावुक होंदे रहना, तो इन्हां ने तुहाडे वल देखना नहीं है, ये ध्यान रखियो जी। बिल्कुल, तो भावें सीएम चन्नी के हक के सर्वे आ रहे हैं या फिर वह भावुक अपीला कर रहे हैं, तो दूसरे पास नवजोत सिंह सिद्धू भी जो चोण प्रचार कर रहे हैं अपीला उन्होंने वालों भी कीतियां जा रही ने, की अपीला कर रहे हैं अगे तुहानू दसांगे, फिलहाल समा हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद स्वागत है, तो जसवीर जी अहमदगढ़ की दाणा मंडी अज चोण प्रचार किया जा रहा नवजोत सिंह सिद्धू के वालों, उन्होंने वालों भी अपील की जा रही है कि जे MLA बनाओगे, जिस बंदे नूं तुसी मुख्यमंत्री देखना चाहते हो पहला उन्हें MLA बनाना पेगा, तो नाल ही उन्होंने एक लाइन होर जोड़ दी कि खाण पीन बांदरी तो डंडे खान नूं रिच, आखिर इसका मायने की? मायने सिद्धू होरी बहुत वधिया समझा दिंदे होंदे आ, लोग समझते भी आ सिद्धू दीआं गल्लां नूं कि पासे गल करदे आ, हुण चीज़ां तां सिद्धियां स्पाट यही आ, क्योंकि समित सिंह नूं उत्थों जिहड़ा चोण मैदान च उतारिया, सिद्धू होरां दे भतीजे भी ने, ते सिद्धू दा हुण तक जिन्ना सिस्टम सी मीडिया मैनेजमेंट कह लो
डाटा मुहैया करवाना, इनफॉर्मेशन मुहैया करवानी, वह सारा सुमित दे हाथ होया करता सीगा। हुण उन्होंने उम्मीदवार बनाता तो उन्होंने पक्ष दे विच अज रैली करनगे, तो जदों वह ये कहिंदे आ कि एम एल ए बनाउणा बहुत जरूरी है, तो जदों एम एल ए बनाउण दी गल करदे आ, सुमित नूं तां मुख्यमंत्री बनाउणा नहीं है, वो तो एम एल ए बनेगा तो पता नहीं मंत्रीमंडल च शामिल करना या नहीं करना, क्योंकि मंत्रीमंडल च शामिल होने वाली बड़ियां दी लिस्ट है, तो पहली बारी नौजवान ने खड़ना है, और चंगा आ, चंगा सोझी वाला नौजवान हैगा आ, पढ़िया लिखा हैगा आ, और थोड़ा जा सोच इहदी बड़ी गंभीर है कि कित्थे बेरोज़गारी का डाटा साढ़े हैगा, कित्थे किहड़ी चीज़ की जाए तो बेहतर हो सकता। बहुतियां चीज़ां मैं कहना कि सिद्धू नूं उहदी स्पीच नूं एनरिच करन दे विच समित दी जिहड़ी इनफॉर्मेशन हुंदी है ना वह काम करदी है, तो सियाणा हैगा, पर सिद्धू नाल जिहड़ी रिश्तेदारी है वह बोलती बहुता नज़र आउंदी है, उहदी सियाणप घट बोलती नज़र आउंदी है, लोगों के जिहड़ी चीज़ प्रचलित हुंदी है उही जांदी है, पर जिहड़ी उहने अखाण वरती है ना सिद्धू दी कि खाण पीण नूं बांदरी ते डंडे खाण नूं रिछ, तो इस सीधे तौर पर आ कि जो कुछ हुण तक होया कांग्रेस की सरकार दे विच, जिन्हें जिन्हें लाहे लै आ, जिन्हें जिन्हें वह सारियां चीज़ां सुख सहूलतां माणियां आ, जिहदे जिहदे रिश्तेदारां दे घरों कुछ ना कुछ मिलिया आ, जिन्हां तों मिलण दीआं संभावनावां नज़र आउंदीआं कि वह तो फिर अगे कर दित्ते जांदे ने, ते मैं जिहड़ा पंजाब लई पिटदा पिआ आ मार मेरे ते पैंदी आ, जे मैं उदों पंजाब लई काम करन दी कोशिश कीती तां उदों मैनूं स्थानक सरकारां दे मंत्रालय तों परां कर दित्ता गया, जे मैं हुण पंजाब दी गल करनी शुरू कीती तां मुख्यमंत्री दी रेस दे विच हुण मैनूं पिछे कर दित्ता गया। मैनू तो इन्ना क समझ आई कि सिद्धू ने अपना रोना उत्थे रोया कि यह स्थितियां इस पासे वल नूं जांदियां नज़र आ रही ने, प्रचार अज समित दा करदे सीगे ते दुख अपना रोआ आ। बिल्कुल, तो अपीलां जो ने हर किसी वालों अपनी अपनी कीतियां जा रही ने लोगों के सामने, लेकिन हुण गल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी करांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों भी अज चोण प्रचार किया जा रहा है, सब तो पहला दोष तो उन्होंने यही लगा दिता कि 111 दिनों के सीएम चन्नी ने 33,000 करोड़ रुपया लिया और वह इधर उधर कर दिता। उस तो बाद उन्होंने कहा कि केंद्र दे विच बीजेपी की सरकार है, 2024 दी जो चोणां आउणियां ने लोकसभा दीआं उस दे विच भी मोदी की सरकार ही आने वाली है, इसलिए पंजाब दे विच भी बीजेपी की सरकार जो है वह बनाई जाए। और सब तो दिलचस्प जो चीज़ दिखी मैनू वो ये कि उन्होंने अपनी चुनाव चिन्ह का परना तो पाया ही सी, नाल बीजेपी का भी पाया हुआ सी, वो इकले ही सी जिहड़े दो दो इस तरह के परने गल च पा के बैठे हुए सी, गठजोड़ वो दोनों परनियां दी गठ मार दित्ती सी उन्होंने, तो जोड़ अपनी पार्टी का तो बीजेपी का बना लिया। मैं तीजा भी भालदा सी उहदे विच मैनू लगदा कि इह उह राह पद्धरा कर लिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि जे कुछ ना बनिया ना तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाला राह मेरे लिए खुला होवे। तरक्की दे दो राह दसे आ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, अपनी तरक्की का राह भी दस दिता उन्होंने, तो पंजाब की तरक्की का भी राह दस दिता। राह किहड़ा आ, वो कहिंदे जे केंद्र की सरकार ते पंजाब की सरकार रल के चलन ना तो पंजाब की तरक्की हो सकती है। चलती क्यों नहीं केंद्र की सरकार ते पंजाब की सरकार रल के? जदों ये गल्लां चलदियां ने ते तुहानू याद होना प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री होया करदे सी पंजाब दे, यूपीए की सरकार कांग्रेस की अगवाई वाली केंद्र दे विच हुंदी सीगी, यूपीए 1 यूपीए 2, ते इत्थे जिहड़ा आ ओह अकाली भाजपा की सरकार सी। प्रकाश सिंह बादल हर बार कहिंदे हुंदे सीगे कि मतरेई मां वाला सलूक साडे नाल कीता जा रहा, मतरेई मां वाला सलूक साडे नाल कीता जा रहा, भाजपा जता दिओ, ट्रकां दे ट्रक भर के आउणगे फंडां दे। हुंदा आ 14 च सरकार बदल जांदी है, भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार बना दिंदी है, इधरों बीबी हरसिमरत कौर बादल केंद्र दे विच मंत्री भी बन जांदी है। ट्रक लैण जदों जांदे आ ना अपनी ट्रैक्टर लेके जाते कि जो वो ट्रक ना स्टार्ट होया तो कोई गल नहीं, मगर टोचन पा के तो आप खिंच लियावे। प्रकाश सिंह बादल तो सुखबीर बादल, अरुण जेतली हुण तो इस दुनिया च नहीं आ, उदो वित्त मंत्री सीगे, टक्के वर्गा जवाब देंदे और यह कहिंदे कि 90% तो वध जिहड़ा तुहाडा हिस्सा बनता सी ना केंद्र दे विचों ग्रांटां दा, वो तुसीं डॉक्टर मनमोहन सिंह तो लै चुके हो, हुण तुहाडे लई कुछ नहीं आ, तो इदां ही वापस आ गया वो ट्रक उत्थे दा उत्थे ही रह गया। मैनू लगता ट्रैक्टर भी छड्डिया है उत्थे के भी वापस लैके गया, तो लोगों ने पुछना मगर तुसी कुछ पा के लिया सी लैके का तो नहीं आए, वो ट्रैक्टर भी उत्थे छड्डिया है, तो आण के बड़ा कुछ इधर आ के कहा कि नहीं असी आह कर देंगे वह कर देंगे इदा हो जूगा उदा हो जूगा, बड़िया चीज़ा उस समय चर्चा के आईया सी।
हुण कांग्रेस की सरकार आ गई, केंद्र दे विच बीजेपी सीगी, वो कैप्टन ना तो बहुत बनी हुई सी, क्यों नहीं रल मिल के कैप्टन साहब उदों चले? तुसी तां हर बयान भी भाजपा के मुताबिक दिंदे सीगे, तुहानू लैके तां मोदी साहब ने भी कहता सीगा कि कांग्रेस की सरकार नहीं, पंजाब च आजाद फौजी की सरकार आ, उदों क्यों नहीं मिल के चले? उन्हें पौने पंजा सालां दे विच किन्ना विकास कर दिता केंद्र की सरकार नाल रल के, तुहाडे कोल जिम्मेवारी सी। जदों तुसी हुण कहिंदे आ ना कि जे रल के चलोगे तो फिर पंजाब तरक्की कर सकदा, किन्नी तरक्की कीती ਉਹ ਡਾਟੇ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਦੋ ਗਮਛੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕਮਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਰੀਓ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ GST ਦਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੋ? ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦੀਪਿਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਤਾਂ ਲੋਡ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੂਜਾ ਇੰਜਨ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਚ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਪੀਲ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ CMIE ਇਹਦਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਡੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.25 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਪ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 95% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਬਜਟ।
करोना का क्या जा रहा कि ये असर आ कि जो घाटा वाधा सगा सरकार हुण पूरा करन दी कोशिश करदी है, पर मैनू नहीं लगता कि इन्ना घाटा सरकार नूं पिया, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां नाल लोकां दा कचूमर कढ के पैसे पूरे कर ले आ। तीन तीन चार चार लख करोड़ रुपया जिहड़ा आ उह साल दा इकट्ठा कर रही सी सरकार टैक्स दीआं कीमतां दे उत्ते, तेल दीआं कीमतां दे उत्ते टैक्स ला के। सो उन्नी उम्मीद नहीं है किसानां लई भी कोई बहुत वड्डा जिहड़ा ऐलान नहीं। हाँ, ऑरगैनिक खेती की गल की गई है, पर ऑरगैनिक खेती लिए एक बड़ा ढांचा जरूरी होंदा है। ऑरगैनिक खेती जो पेस्टिसाइड तो बाद तुसी शुरू करदे आ तो जमीन उन्नी तुहानू प्रोडक्शन नहीं दिंदी, वो घाटा जिहड़ा किसान नू पैणा आ वह किदां पूरा करोगे, उहदे विच कुछ इदां दा मैनू साफ तौर पर लिखा नज़र नहीं आया। रुजगार कहिंदे 60 लख दे देणा आ अगले आउंदे साल दे विच, जे 3 करोड़ तो वध बंदिआं चों 60 लख नू नौकरी दिंदे हो ते बाकी कित्थे जाणगे, क्योंकि ये तो है नहीं गा कि उ 3 करोड़ रहेंगे। मैनू लगता कि 1 करोड़ होर जुड़ गया तो वह बेरोज़गारी दर तो बधी जानी आ। तुसी उन्हों किस तरीके करोगे, जिहड़ा 1 करोड़ पहला क्या सीगा रुजगार देण दा प्रधानमंत्री ने वादा किया सी, वह कित्थे गया 1 करोड़, जे वह नहीं पूरा होया तो 60 लख आला कित्थों पूरा होएगा, किवें पूरा होएगा। फिर कुछ चीज़ां इहो जिहियां ने जिहदे विच टैक्स स्लैब की चर्चा कर सकते मध वर्ग नूं, कहिंदे कोई राहत नहीं, जिद्दां पहला सी उदां ही रख्या जाएगा, उस तरीके चलता। कुल मिला के कह सकते कि अज बजट दे विच सिवाए भाषण दे लोगों नूं कुछ नहीं मिलिया। लंबा भाषण निर्मला सीतारमन होरी देंदे आ, लंबा चौड़ा बजट पढ़ते आ। एक चीज़ नवीं सी, डिजिटल करता उन्होंने, कभी ये दिखाया जाता सी पोर्टली च लैके आए जी पछमी सभ्यता तो मुक्त कर दिता भारत के बजट नूं, हुण ब्रीफ केस च नहीं आया करेगा। अज उहदे तो टैबलेट तो पढ़ के बजट पढ़ते पै सके, वह मेरा ख्याल है कि पछमी सभ्यता इन्हों नहीं लगी, वह जरूर नवा नवा शगुफा जिहड़ा वह छड़ दिता जाता। डिजिटल करन दी गल की, पासपोर्ट डिजिटल कर देना, भाई जिन्हां दे आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते तो एक छोटी बच्ची जिहड़ी आ वह भात भात कर दी मारी जाती है, भुखी हुंदी है। पहला उन्हां दे फिंगरप्रिंट मैच करन लई आधार नूं सही तरीके नाल लिंक करन लई वह काम कर लो, पासपोर्ट वाला भी पैरलल काम चली जाऊगा। ई लर्निंग करनी है शुरू, कहिंदे स्कूल डिजिटल कर देने, कॉलेज डिजिटल कर देने, यूनिवर्सिटियां डिजिटल करनियां, चैनल खोल देने आ ई लर्निंग लई। ते मेरा ख्याल है कि बहुत सारिया चीज़ा, बहुत सारे लोग ने जिथों तक जिहड़ा आ उह अजे स्मार्टफोन नहीं पहुँचे। इत्थे तां यूपी की गल कर लीए तो यूपी जिथे चोणां आ उत्थे बहुत सारे लोग इदां दे ने जिन्हां तक अजे बिजली नहीं पहुँची। लगभग जिहड़ा 6.8% लोग यूपी दे होया जिन्हां दे तक बिजली नहीं पहुँची। जदों तुसी ई लर्निंग शुरू करोगे बिना बिजली तो वह की पढ़नगे, की सीखणगे, किधरले पासे नूं जाणगे। पहलां जिहड़ियां मूल सुविधावां आ उस पासे वल नूं भी कदम वधावा करना शुरू कर दिओ, बाकी चीज़ां बाद च वी कीतियां जा सकदियां जां पैरलल भी चल सकदियां। चंगी गल है, ये डिजिटल युग चलदा पिआ, तुहानूं डिजिटल होना चाहीदा, पर घट्टो घट्ट वह जिहड़ा मेरा ख्याल है कि हेठां सब तो हेठला तबका है ना, वह हेठले तबके नूं ध्यान च रख के जदों काम करोगे बेहतर हो सकदियां ने स्थितियां। जी, तो तमाम मुद्दे उत्ते विस्थारपूर्वक चर्चा दे लई बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी। शुक्रिया दीपिका जी। न्यूज़ रूम लाइव देख रहे दर्शकों का भी धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा जानकारी लई देखते रहो टीवी पंजाब।